स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर 3। वे फाइबर टू फैब्रिक में हमने आगे वूल और सिल्क के जो रेशम का जो कीड़ा होता है सिल्क वर्म किस तरह से बड़ा होता है और उसकी मौत जो होता है सिल्क मौत किस तरह से बनता है उसके बारे में बात की। अब हमें इस लेक्चर में देखनी है एक्टिविटीज़ की जो आपकी बुक्स में दी गई है, तो फटाफट से ये एक्टिविटीज हम लोग देखते हैं। तो भाई एक्टिविटी 3.5 में क्या है, भाई कलेक्ट पीस सिल्क क्लॉथ इज अ वेरियस टाइप एंड पार्ट्स फ्रॉम द शार्प बुक। जो आपकी क्राफ्ट बुक है उसमें आपको सिल्क मौत के जो वेरियस जो टाइप्स है ना वो आपको इकट्ठा करने हैं। यू कैन फाइंड देम द टूलर्स ऑफ स्मूथिंग द शेप एंड कट पीसेस। आप लोग जो टेलर्स की जो शॉप है ना उसमें जाके भी वो पीसेस छोटे छोटे वेस्ट जो वो उसके जो वेस्ट पीस निकलते हो ना वो आपको कलेक्ट करने हैं। ओके उसके बाद है बट टेक हेल्प ऑफ योर मदर आंट एंड टीचर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सर्च द मलबरी सिल्क तसारा सिल्क एरी सिल्क मोगा सिल्क एक्सेट्रा। फिर क्या करना है भाई, आपको टेक हेल्प योर मदर आंट और टीचर, क्योंकि आपको भाई क्या करना है सिल्क वर्म के बारे में पहचान करनी है। भाई आप टेलर की शॉप में से भाई ऐसे ही उठा के ले आए हो घर पे तो आपको उसको आइडेंटिफाई तो करना होगा ना भाई कौन सा सिल्क है। तो आपको अपनी मम्मी आंटी की जो भी सिल्क की साड़ी जो पहनता है उसको ज़्यादा पसंद होता है इसके बारे में, तो भाई आपको उसको पूछना है कि भाई ये कौन सा सिल्क है, मलबरी सिल्क है तसारा सिल्क है ईरी सिल्क है या फिर मोगा सिल्क है। ओके कंपेयर द टेक्सचर द सिल्क दैट ऑफ द टेक्सचर। तो भाई क्या है भाई, आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस है वो कंटेन द सिंथेटिक फाइबर। जो आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है कि जो फैक्ट्री मेड होता है एनिमल मेड नहीं होता, तो भाई वो क्या है भाई सिंथेटिक फाइबर में उसको लीजिए आ जाता है। ट्राई द कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ अ डिफरेंट मोथ वूज द कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। आपको क्या करना है दे पे टाइप्स है ना कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ अ डिफरेंट मोथ, डिफरेंट टाइप्स के मोथ की आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है वूज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, कि जो कैटरपिलर्स है वो किस टाइप्स के सिल्क आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके भाई एक्टिविटी 3.6 में भाई टैग द आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड प्रोवाइड द सिल्क थ्रेड बर्न भाई बर्न दिस द कैटर केयरफुली। क्या करना है भाई टैग द आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड, जो सिंथेटिक का सिल्क है वो आपको कलेक्ट करना है तो एन अ प्योर सिल्क जो रेशम के कीड़े में से जो सिल्क मिलता है हमें वो सिल्क भी आपको क्या करना है कलेक्ट करना है। उसके साथ साथ आप करना डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट स्मॉल विच बीइंग, क्या आपको इसमें कोई डिफरेंट पाया जाता है आपको कोई डिफरेंट दिखता है। नाउ द बर्न विद सिल्क फाइबर्स केयरफुली डिड यू स्मेल लाइक भाई बर्निंग एन आर्टिफिशियल सिल्क कैन इन द प्योर सिल्क कैन यू एक्सप्लेन वाई। भाई आर्टिफिशियल सिल्क और जो हमारा प्योर सिल्क में आपको उसमें से क्या डिफरेंट टाइप्स लगते हैं। ओके वो आपको देखना है। डू यू रिमेंबर विद द कोकून स्टेज रिक्वायर्ड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको क्या करना है भाई सिल्क का जो कुकून का जो स्टेज है ना उसके बारे में आपको भाई करना है भाई कैसे वो कुकून का स्टेज में से वो सिल्क मौत तक आता है। ओके तो भाई एक्टिविटी 3.7 देखते हैं। तब फोटोग्राफ में जो 3.9 कट द पिक्चर्स ऑफ अ स्टेज लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मौत एंड पेस्ट देम द पीसेस ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड चैप्टर चार्ट पेपर। ओके एक्टिविटी 3.7 में क्या करना है, तो भाई फोटोग्राफी हमने आगे फिगर देखा है 3.9 का, ये वाला फिगर मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि जो ये वाला 3.9 की जो फिगर्स है तो ये आपको फिगर्स काटने हैं। फिर क्या करना है उसको कार्ड पेपर या फिर बुक में उसको क्या करना है, तो भाई देखते हैं आगे हमें इसका क्या करना है। तो भाई आपको करना है भाई चार्ट पेपर या फिर कार्डबोर्ड में स्टिक करना है उसको। ओके जंबल देम नाउ द ड्राई एज एंड स्टेज कॉन्टेक्ट स्क्वायर इज सर्कुलर फ्रॉम द वेल एवर डज नॉट फेस दिस विन यू मे ऑल्सो डिसाइडेड द लाइफ हिस्ट्री यू ऑन द ओन वर्ल्ड टू राइट डाउन योर स्क्रैप बुक। आपको अपनी क्राफ्ट बुक में उसको लिखना है कि भाई सिल्क वर्म के जो फीमेल एग्स है लेके
सिल्क मॉथ तक किस तरह से प्रोसेस होता है कि जो आपको मैंने 3.9 की फिगर में भी बताई थी। ओके, ये वाली थी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो। आगे के जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे भाई फ्रॉम कुकून टू सिल्क, सिल्क जो है वो कुकून में से सिल्क तक के प्रोसेस किस हिसाब से होती है उसके बारे में। फिर से बताती हूँ मैं आपको भाई जो एक्टिविटी है हमारी 3.5 में, तो आपको क्या करना है कि भाई टेलर की शॉप में चले जाना है, फिर उसके टेलर में से जो उसके वेस्ट कट पीसेस निकलते हैं ना वो आपको कलेक्ट करके घर पे लेके आने, घर पे लेके आने आपको मम्मी को सामने बिठाना है, फिर आपको मम्मी से पूछना है कि ये कौन कौन से सिल्क है, कि यहाँ पे जो हमारे सिल्क के टाइप्स यहाँ पे है मलबरी है मूगा है या फिर ईरी है तासर सिल्क है। ओके, उस हिसाब से आपको डिफरेंट टाइप्स करने हैं। फिर 3.6 में क्या है भाई, आपको आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक सिल्क है वो और प्योर सिल्क का डिफरेंट महसूस करना है। और एक्टिविटी जो 3.7 है उसमें क्या दिखाया है कि भाई जो पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं आपको, फिर लाइफ हिस्ट्री के बारे में आपको चार्ट पेपर या फिर कार्डबोर्ड में स्टिक करने के बाद उसको देखना है, हिस्ट्री देखनी है और आपको अपने क्राफ्ट बुक में वो लिखना है। ये थी आपकी एक्टिविटी 3.5, 3.6 और 3.7। नेक्स्ट लेक्चर में हमको देखना है भाई कुकून टू सिल्क के किस तरह से कुकून में से सिल्क की प्रोसेस होते हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू।